जी टेप बॉल में तो हमारे लिए तो सारे बैट्समैन अच्छे हैं, उनको आउट भी करते हैं, खुशी भी होती है। और लेदर बॉल में हमने, मैं आपको जैसे हमारा पहले भी इंटरव्यू हुआ था उसमें भी बताया था कि आबद अली को भी आउट किया हुआ है, प्रैक्टिस मैचों में हफीज़ भाई को भी किया था, उसके बाद समी असलम को किया, मतलब कि काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट हसन जंजुआ। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं एक टैलेंटेड क्रिकेट या शहीन कहा जाए तो वो भी कम नहीं होगा। इनका नाम कर्नल जाहिद है और ये बाय प्रोफेशन क्रिकेटर हैं और बॉलिंग करते हैं और बॉलिंग भी बहुत गजब की करते हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि वो सबके लिए कैसे प्रैक्टिस करते हैं और कितने अरसे से वो ये काम जारी रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कर्नल साहब, सबसे पहले तो ये नाम जो है आपका कर्नल जाहिद, इसके बारे की स्टोरी बताएं और आपका असल नाम क्या ये बताएं। मेरा असल नाम मोहम्मद जाहिद है, मेरा दोस्त था बचपन में जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो उसने बोला था कि यार मैं इस तरह ना पढ़ा होते ना मेजर बनूंगा, तो मैंने भी उसे कह दिया मैं कर्नल बन जाऊंगा। तो कुछ अरसा वो गायब हो गया, पता नहीं चला कहाँ पर चला गया। तो उसके बाद मेरा एक दोस्त है इशफाक चौहान, उसने मेरी फेसबुक आईडी बनाई, तो फिर अल्लाह पाक ने ऐसा करना किया कि अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी उस नाम से और काफ़ी अच्छे स्पेल वगैरह भी डाले, तो बस फिर उसी नाम से ये आज कर्नल जाहिद नाम है। आप कब से कहते हैं क्रिकेट जो ग्राउंड है उससे मुंसलिक है और किस टाइप की क्रिकेट खेलते हैं? जी मुझे तकरीबन खेलते 10 साल हो गए हैं, लेकिन प्रोफेशनल खेलते कुछ 7-8 साल हुए हैं। क्रिकेट खेलते अच्छी क्रिकेट खेली है, लेदर बॉल भी खेली है, टेप बॉल भी खेली है, लेकिन मज़ीद यही है हमारे दिल में है कि हम कुछ अच्छी क्रिकेट खेल के कुछ अच्छा अपने घर वालों के लिए करें। ये टेप बॉल थोड़े दिन की होती है, अगर आप 4 दिन बॉलिंग अच्छी कर लोगे तो आपको हर बंदा शाबाशी देगा, अगर आप 2-3 दिन बॉलिंग अच्छी नहीं करोगे तो हर वही बंदा आपको बुरा भला भी करेगा। आपको ज़्यादातर देखा गया कि आप टेप बॉल ही खेल रहे हैं, हार्ड बॉल में बहुत कम लोग आपको इस तरीके से जानते हैं, ऐसी क्या वजह है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन ये लॉकडाउन में ही हम ये टेप बॉल खेल रहे हैं, ये तकरीबन 2-2.5 माह में, नहीं तो उससे पहले 6-7 महीने हम लोअर कलंदर के साथ कैंप में भी थे, उनके साथ कैंप भी किया 4-5 महीने, उसके बाद PSL का कैंप लगा था तो फिर उनके साथ भी थे। ये लॉकडाउन की वजह से हमारा कैंप नहीं लग रहा, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अगस्त में इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो जाएगा। लॉकडाउन आया, कोरोना आया, सब चीज़ें बंद हो गई, लेकिन और जो क्रिकेटर्स थे या जो प्लेयर्स थे वो भी सब घर में थे, तो आप किस तरह प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं? मेरे घर के पास ये 8-pack जिम है, मेरे दोस्त का ही है और साथ में आपने देखा ही है ग्राउंड भी है, तो कुछ हल्की फुल्की जिम कर लेते थे और साथ में ग्राउंड में स्पिंडे वगैरह लगा के हम अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते थे, मतलब जितनी हो सकती थी वैसे नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने लिए 15 से 20 मिनट हम अपनी ट्रेनिंग कर लेते थे। तकरीबन कितनी ट्रेनिंग करते हैं आप डेली और क्या क्या ट्रेनिंग करते हैं जो नौजवानों को इस टाइम करनी भी चाहिए, हमारे बॉलर्स जो आ रहे हैं स्पेशली? हाँ जी, सबसे पहले तो आपको पहले रनिंग करनी चाहिए, 15 से 20 मिनट कम से कम रनिंग करनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको स्प्रिंटें लगानी चाहिए, फिर उसके बाद आपको शोल्डर की गेम लगानी चाहिए, फिर जो जो बॉलर्स को चाहिए होती है थाई फिर भाई हर चीज़ मतलब कि जो भी बॉलर के लिए होती है ना वो आपको करनी पड़ती है, स्क्वाड लगाने पड़ते हैं, लेग रेजिस लगानी पड़ती है, फिर पेट की गेम लगानी पड़ती है अपने आप को फिट रखने के लिए, बस हम भी वही गेम में करके जो हमें कोच बताते हैं हम भी वही गेम करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो हमारे स्पोर्ट्समैन वगैरह हैं उनको खाना कम पड़ता है, इसमें कितनी सदाकत और आप कितना खाते हैं? नहीं माशाल्लाह खाना शाना तो खाना चाहिए, हमारे कोच कहते हैं अगर जितनी आप ट्रेनिंग करते हो उतना ही आप खाना खाओ, ये नहीं है कि आपने ट्रेनिंग हार्ड की है और आप लाइट सा आप खाना खा लेते हो तो वो नहीं चलेगा, फिर वो आप क्राइम्स पढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो इसी वजह से ना वो कहते हैं कि जैसे आप ट्रेनिंग करोगे ना वैसे आप खाना भी खाएं। आपने कभी जो क्रिकेट है उसमें बॉलिंग की स्पीड टेस्ट की है, आपने कभी टेस्ट की है कि कितनी स्पीड है? टेप बॉल का तो पता नहीं है, लेकिन ट्रायल्स में ये मतलब कि लाहौर कलंदर वालों ने ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ था जैज रनिंग स्टार, तो उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रायल दिए थे, तो मैंने 88-89 माइल्स पे बॉलिंग की थी, तो हमारे सिलेक्टर थे ताहिर मुगल साहब और आकिब सर थे जिन्होंने हमें सिलेक्ट किया था, तो हारिस और मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे ट्रायल दिए थे। पैसे माशाल्लाह टेप बॉल में मैचेस वगैरह के आजकल बहुत पैसे मिलते हैं खेलने के, लेकिन 10-12 हज़ार रुपये मैच फीस है, तो एक मैच खेलो तो 10-12 हज़ार रुपये मिल जाता है, तो अगर आप महीने में 5-6 मैच खेले तो आपको गुजारा हो जाता है, तो बाकी अपनी एक्टिविटी वही है खाना पीना और जिम ट्रेनिंग बस और कुछ भी नहीं। यूट्यूब यूज़ करते हैं लोग, उस पर आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आपके सामने रियल लाइफ में ऐसे फ़ैन्स आते हैं तो कैसा फील होता है? जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे कोई फ़ैन्स नहीं है, जो फ़ैन मुझे कहते हैं ना मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे भाई हो, तो भाई हैं मेरे सारे, कोई फ़ैन वो नहीं है ना हमें इतने बड़े स्टार हैं, तो बस खुशी होती है कि लोग हमसे सेल्फियाँ लेते हैं, हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि नहीं मैंने नहीं देनी सेल्फ़ी,
लेकिन बस क्या कह सकते हैं, उनका प्यार है जो हमें आज यहाँ पे लेके आया हुआ है। जाहिर साहब, सबसे एक इंटरेस्टिंग बात कि क्रिकेट जो है बड़ी अग्रेसिव गेम है, जब इसमें खेलते हैं अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कोई ऐसा वाकया जिसमें लड़ाई हुई और आपने मारा हो या आपको मार पड़ी हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है क्रिकेट हुई है तो लड़ाई तो नहीं हुई। तो मेरा दोस्त ही है तैमूर मिर्ज़ा, मतलब कि भाई तरह का है, तो ओमान में हमारा मैच हो रहा था तो एक मसला था उसमें, उसको मैंने आउट किया तो थोड़ा सा हम गर्म हो गए थे, बस थोड़ा सा आउट ही हुआ था। उसके बाद लड़ाई तो अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं हुई, बस ऐसे थोड़ी सी मुँह मारी हुई थी बस। आपकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई, वो क्यों हुई और कैसे हुई और उसमें उन्होंने कुछ मशवरे दिए थे, वो क्या? वो दरअसल हमारे आमिर भट्ट साहब हैं, PTI के उमर ख़याम साहब हैं, तो वो उन्होंने हमें बोला था कॉल करके कि यार आपने ना ट्रायल देने के लिए जाना है इस्लामाबाद, तो वहाँ पे इमरान खान साहब आपके ना ट्रायल्स लेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो वहाँ पे ट्रायल देने के लिए चले गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे टॉप किया था। तो दो लड़के और थे, एक पिंडी का था एक टैक्स लेगा था। तो फिर इमरान खान साहब ने बोला था कि जैसे तुम्हारा बॉलिंग एक्शन और तुम्हारा रिदम है ना, तुम्हारा सर बिल्कुल ठीक है और तुम बिल्कुल ठीक बॉलिंग करवा रहे हो, और बाकियों को वो बता रहे थे कि इस तरह की बॉलिंग करनी है आपने, ये आपका ये हाथ इधर होना चाहिए और ये बॉल इधर होना चाहिए, तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है। आपने देखा कि पहले क्रिकेट बहुत डाउनफॉल जा रही थी, उसके साथ ही इमरान खान ने आते साथ ही जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर भी काफ़ी पाबंदियाँ लगाई हैं, उसके वजह से इमरान खान साहब से क्या अपील करेंगे कि उसको बहाल करें ताकि रोज़गार भी मिले? जी बिल्कुल, मोस्टली काफ़ी फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं और कुछ पाकिस्तान भी खेले हुए हैं, उन बेचारों की रोज़गार यहाँ से थे क्रिकेट के, तो अब वो पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, ये तो उनसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि अलावा इनके भी काम खोलें और ये डोमेस्टिक क्रिकेट के इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं ये खुल जाएँ, तो ये भी अपने अपने काम पर दोबारा लग जाएँ। जी तो नाज़रीन, आज आपने सुना कर्नल जाहिद जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड बॉलर हैं और उसके साथ आपने क्रिकेट और उससे मुंसलिक जो भी डाउनफॉल्स आ रहे हैं या जो मशवरे थे उन्होंने दिए, और अब बाकी तो सब आप पे है कि कैसे मेहनत करनी है और कैसे आगे बढ़ना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।